एरवावी आओ आओ सुनो कहानी जहाँ है डरपोक राजा, बहादुर रानी और उड़ती मछली और तैरती शेरनी। आओ आओ सुनो कहानी। हेलो, इन टुडेज बुक रिकमेंडेशन सेक्शन वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग टू यू द हिंदी किड्स मैगजीन प्लूटो। इट इज़ पब्लिश्ड बाय इक्तारा पब्लिकेशन। इफ़ यू विश टू सब्सक्राइब दिस मैगजीन, द ऑनलाइन लिंक आई हैव प्रोवाइडेड इन माई ब्लॉग। प्लूटो इज़ अ बाई मंथली मैगजीन इन हिंदी फॉर किड्स, ब्यूटिफुली एंड थॉटफुली रिटन, इलस्ट्रेटेड एंड एडिटेड। The stories and poems from this magazine have a good magnet for children to listen and develop liking towards Hindi language. अच्छा, मैं अभी इंग्लिश में काफ़ी बोल चुकी, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे थोड़ा हिंदी में शुरू करना चाहिए, क्योंकि आज के बुक रिकमेंडेशन सेक्शन में हम आपको एक हिंदी बाल पत्रिका के बारे में बताना चाहते हैं। बुक रिकमेंडेशन सेक्शन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो किताबें, जो मैगजीन्स हमें अच्छे लगते हैं वो हम आप तक पहुंचा पाएंगे, और उसके बारे में भी हम थोड़ा बताते हैं कि ताकि आपको एक आइडिया आए कि ये किताब किस बारे में है, किसने लिखी है, कौन इसके प्रकाशक है और ये किताब हमें क्या बताना चाहती है, और थोड़ा बहुत ये किताब में जो मुझे अच्छा लगा हो वो भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं मैगजीन प्लूटो की। यह है एक दुमाही हिंदी बाल पत्रिका। सबसे छोटा ग्रह प्लूटो, वही नाम सचता है इस पत्रिका के लिए, क्योंकि यह पत्रिका है 8 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए। बच्चों की काल्पनिकता, उनके सोच की उड़ान को ध्यान में रखते हुए प्लूटो का संपादन और डिजाइन किया गया है। छोटी सी छोटी कहानी हो, कविता हो, चुटकुला हो या पहेली, सब कुछ बड़ा मनोरंजक है। ये पत्रिका बड़ी खूबसूरती से ना सिर्फ लिखी गई है बल्कि चित्रांकन भी उतना ही उल्लेखनीय है। पता है सबसे खास बात क्या है? प्लूटो का डिजाइन। कोई भी पन्ना खाली नहीं जाने दिया है उन्होंने। मुख पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक सब जगह पर कहानी, कविता या चुटकुला हाजिर है। झलक के तौर पर प्लूटो के कुछ पन्ने आपके सामने रखना चाहती हूँ। यह है मुखपृष्ठ यानी कि टाइटल पेज। जून जुलाई 2019 की ये पत्रिका है। बरसात के मौसम को कितना प्यार से, कुशलता से चित्रबद्ध किया है। आंखों के सामने ही बारिश का मंजर आने लगा। अभी देखते हैं ये आखिरी पेज। देखिए तो सही कितना लुभावना और सुंदर चित्रांकन है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप बीच के कुछ पन्नों की झलक देखने के लिए बेताब है, तो लीजिए, ये है एक कोरियन लोक कथा। एकदम मज़ेदार कहानी है, तो मैं क्या इसे थोड़ा पढ़ के सुनाऊँ? चलिए। कहानी का शीर्षक है उन्होंने घर तो बदला। कोरिया की एक लोक कथा है। एक थानेदार के घर के एक तरफ लोहार रहता था और दूसरी तरफ बढ़ई। दोनों दिन रात खटर पटर करते रहते थे। थानेदार बहुत परेशान हो गया। उसने दोनों से घर बदलने को कहा। लोहार और बढ़ई थानेदार की बात टाल नहीं सकते थे। 2-3 दिन बाद थानेदार के पास लोहार आया और बोला, हुजूर, आज मैं अपना घर बदल रहा हूं। कुछ देर बाद बढ़ई आया। उसने भी बताया कि वो भी घर बदल रहा है। थानेदार खुश हो गया। अगले दिन फिर वही खटर पटर होने लगी। थानेदार का सिपाही पता लगाने गया। उसने बताया कि लोहार बढ़ई के घर में चला गया है और बढ़ई लोहार के घर में। तो कैसी लगी ये कहानी?
कितना सीधा साधा सा हिंदी है और कितनी मनमोहक और मज़ेदार कहानी लिखी है, चित्र भी उतने ही प्यारे बनाए हैं। और ये एक पन्ना है इस कविता का, ऊन का गोला। कितने खूबसूरत चित्र है और सीधी साधी चार पंक्तियों की कविता। ऐसी ही बहुत सारी प्लूटो की झलक आप इकतारा प्रकाशन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अच्छा लगा तो आप ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लूटो एक छोटी सी दुमाही बाल पत्रिका, पर कर रही है एक बड़ी कोशिश हमें अपनी हिंदी के नज़दीक लेकर आने की, हिंदी भाषा को जागृत रखने की बेमिसाल कोशिश। प्लूटो तो हमारा हिस्सा बन चुका है, आप कब इसे अपना हिस्सा बना रहे हो? कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवाउ एरवाउ।